रंग संग्रहालय दारचूला। रंग संग्रहालय दारचूला में पहली बार विजिट करने का आज मौका मिला, जो काउंटर है जहाँ एवरी पर्सन आपको जो है ना 20 रुपये टिकट देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे आप अंदर जा सकते हैं। ये हमारे परिधान है जो रंग लोग जो है ना लेडीज़ ये पहनते हैं, इसको इसको जो है ना चुंगबाला और ये चंद्रार है और जीरोसाले है। ऐसी आदमी जो है ना ये रंगा विथ गेंटलो। ये पुराने बर्तन है हमारे, कांसे के बर्तन में हम लोग जो है ना खाना खाया करते थे पहले बुजुर्ग हमारे पुराने लोग। और ऐसी ये कटोरी नमकीन चाय पीने के लिए कप वगैरह है, और ये सामने जो है ना नमकीन चाय रखने के लिए टिपरी एंड पानी पीने के लिए जैसे लोटा कहते हैं वैसे ये कशनी हम लोग बोलते हैं इसको। म्यूजियम में ये पुराने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है ना कैमरे वगैरह सब रखे हुए हैं, ये पुराने टाइम के आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ये हर किसी के वहाँ से कलेक्शन किया हुआ है। ये पुराने रेडियो वगैरह हैं जो हम लोग पुराने सुनते थे। ये आपका प्रिंटर, ये और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये सब चीज़ें आपका, ये प्लेयर है म्यूजिक प्लेयर, ये पुराना जो है ना जिसमें अंदर देखते थे चलचित्र वगैरह। ये हमारा डाल तलवार है और मेन हमारे उसमें जो है ना ये जो है ना इसको दमे कहते हैं, किसी भी काज बार में इसको बजाया जाता है। आप यहाँ की संचालिका हैं, इसको पतंग यखम बोला जाता है, और ये डंडाली इन और ये आई फल जो है ना खेत जोतते समय ये इससे जो है ना पतंग यखम से अगर करते हैं इसको यखम पहले जो है ना बच्चे को छोटे बच्चों को यहाँ रखते थे सुलाने के लिए, और ताकि माता को कोई प्रॉब्लम ना हो जस्ट उसको हिलाते रहें बच्चे के लिए। ये सारे जो है ना हमारे यहाँ बर्छंग वगैरह रखने के लिए काम में आते थे, ये कंच वगैरह है, शक्ति शोमा चुकली। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, ये नमकीन चाय बनाने के लिए या फिर आपका जो है ना दूध से मक्खन निकालने के लिए। ये पानी भरने के लिए पूरी, ये आपका जो है ना दुंछा वगैरह या कई चीज़ कूटने के लिए जो है ना ये उस समय लकड़ी के सारे। और ये शीला सिलपट्टा, ये हमारे यहाँ जो है ना लेडीज है आपका जैसे दन बुनना हो या चुटुक बुनना हो थुलमा वगैरह उसके लिए जो है ना ये स्टार्टिंग ऐसे करते थे, वो उसको करने वाले सामान।
पुराना चरखा, ये जेंट्स पहनने के लिए आपका रंगा, लेडीज पहनने के लिए चूंग काला, ये सारे पुरानी चीज़ें हमारे, ये जो है ना सारे रंग लोगों ने अपना अपना कलेक्शन सब दिया है। इसको राज कहते हैं, जिसमें आपका धन वगैरह बुना जाता है। पुराने रस्सियाँ, ये सब सामान वामान रखने के लिए तंगे, ये घोड़े के ऊपर रखा जाता था तबरा, ये बकरियों में इसको लाते हैं, इसको करखा बोलते हैं। दादाजी है, हैं? ना, इनके लिए है। ये महान दानवीर जसली लला की फोटो है, जो रंगशा थी एक हमारी, हाँ, उनके बनाए गए सारे धर्मशाला, ये अलग अलग जगह में, बेरीनाग, पिथौरागढ़, कनालचीना, आपका कटारमल नियर PWD बंगला अल्मोड़ा रानीखेत, और ये मुंशियारी में उनके द्वारा बनाया हुआ, श्यालबाड़ी में, जगह जगह पे उनके द्वारा बनाए गए धर्मशाला है। हमारे रंग लोग हर घर के प्रांगण में ये इसको दर्चब बोलते हैं, शुभ माना जाता है, इसको लगाया जाता है हर घर में। ये ऐसे जो पुराना चरखा, ऐसे हमारे गांव घर में जो है ना लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठा करके रखा जाते हैं। ये सीढ़ी है लकड़ी की, ये गांव में काम आने वाला, ये अंदर रखने के लिए, ताकि स्टोर करने के लिए ऐसे होता था हमारे यहाँ। ये सामान अमन रखने के लिए बंचम, ये बैठने के लिए दन, सब, हाँ, इसको सब बोलते हैं हम लोग, फूटे भाषा में हम लोग ब्यम बोलते हैं। ये अगेन डाल एंड तलवार, ये चूल्हा, हाँ, मजा बनाने के लिए, नमकीन चाय बनाने के लिए, और ये सामान वगैरह सब, वहाँ गणित मशीन, ये बोंगयांग में जो है ना बच्चे को सुलाया हुआ है। ये धन बुनने के लिए लगा रखा है। ये इसको हम लोग चीकिल बोलते हैं, घास को जो है ना समर में ऐसा करके, विंटर में जो है ना वो गाय बैलों को खिलाने के लिए ऐसे उपयोग किया जाता था। ये है कुलौ, जिसमें रख के जो है ना गाय बैलों को खिलाया जाता है। कुर्ती, मयंग, ये रंग म्यूजियम है, जिसमें कम से कम 2050 बुक्स है, जो हमारे यहाँ संचालक है वो बता रहे हैं हमें। हजार 2017 में इस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। इस म्यूजियम में आपको रंग संस्कृति के झलक दिखाई देंगे। टूरिस्ट एवं रंग लोगों को एक बार यहाँ का अनुभव लेना चाहिए।